देखिए आलू के पापड़ हमारे भून के सूख के तैयार हैं। चलिए इसे हम भून के थोड़ा सा रख देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। ऑयल गर्म हो चुका है, ज़्यादा नहीं गर्म करना है और गैस फ्लेम हम बिल्कुल स्लो पर कर देंगे। आलू थोड़ा जल्दी गलता है। ये देखिए इतने पे निकाल लेना है। ये देखिए बिल्कुल व्हाइट व्हाइट हुआ है। आलू के पापड़ बनके रेडी हैं। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छे और बिल्कुल व्हाइट व्हाइट ही है, रेड नहीं हुए हैं। ऐसे ही आप हल्के आँच में इसको भूनिएगा। बहुत ही अच्छा पापड़ बनके रेडी हुआ, फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आ रहा है इसका। हेलो फ्रेंड, किचन सेल्फीज एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू के पापड़ और इसे कैसे ही फ्लेवर बिल्कुल क्रीमी ऐसा टेक्सचर दें आलू को कि हमारे पापड़ बहुत ही अच्छे और बिल्कुल पतले बने और उसे पीसना भी ना पड़े। ये देखिए हमने आलू लिया है, बॉईल कर लिए हैं और इसे गर्म में ही फोड़ लेंगे। अगर हो सके तो आप जितना बारीक फोड़ पाएं उतना फोड़ लीजिए। ये बस मैंने मैश किया था मैशर से और हाथ से नहीं फोड़े थे। आगे के प्रोसेस के लिए ये देखिए लगभग मैंने 2 से 2.5 किलो आलू लिया है और इसे उबाल लिए हैं और अब इसे हम ये जो आलू फोड़े हैं हाथ से मैश किए हैं इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। ये मैं पहले से ही कद्दूकस कर रही थी, इतना करके मैं रखी हूँ और बाकी के आपको दिखा रही हूँ कैसे हम करेंगे। सबसे पहले हम ये कद्दूकस लेंगे और इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। अब ये आलू लेके थोड़े थोड़े आलू लेके और इसका एक सिरा ऐसे पकड़ के और इसे करना है, बिल्कुल केयरफुली करना है, हाथ ना कटने पाए और आराम से ऐसे कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, बहुत जल्दी हो जाता है, आलू हमारे बारीक हो जाएंगे। ये देखिए बस एक बार कद्दूकस हम और करेंगे कि अच्छे से नमक मिल जाए जो भी हम मसाले डालें इसमें और इसे ऐसे कर लेंगे। आलू हमारे कद्दूकस हो गए हैं एक बार। अब इसमें हम ऐड करेंगे जीरा और नमक, दोनों मिला के पीस लीजिए जिससे जीरा हल्का सा दरदरा हो जाए। नमक थोड़ा कम ही डालेंगे नहीं तो ये सूखने के बाद ज्यादा हो जाएगा। ये लाल मिर्च पाउडर और हरी धनिया पत्ती, आप चाहें तो अलग अलग फ्लेवर दे सकते हैं या फिर इकट्ठा ही सबको डाल के कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। हमारे आलू अच्छे से मिक्स हो गए हैं मसाले। अब इसे हम थोड़ा साइड कर देंगे या फिर आप दूसरे बर्तन में रख लीजिए और इसे एक बार फिर से कद्दूकस करेंगे थोड़ा थोड़ा करके कि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए ऐसे गिर रहे हैं सब। ऐसे ही सारे हम कर लेंगे। ये देखिए हमारा डो बन के तैयार है बिल्कुल बढ़िया से।
अब हल्का सा हम लगाएंगे तेल, सरसों का तेल हाथ में ऐसे करके लगा लेंगे और इसकी छोटी छोटी लोई पहले ही बना के रख लेंगे कि बस हमें पापड़ बनाना रहे खाली। ऐसे ही हम जल्दी जल्दी बना के रख लेंगे और पापड़ बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे से और इतना जल्दी बन के आपका पापड़ रेडी होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। लोई हमारी बन के रेडी है, ये देखिए लोइयाँ हमने बना के रख ली हैं। अब हम इसे दो तरीके से बनाएंगे, एक हम बनाएंगे ये मशीन लेंगे हम पूड़ी बनाने वाली, या फिर इसे कह लीजिए आप पापड़ बनाने वाली। एक पॉलीथीन लेंगे हम, पॉलीथीन ऐसा लेंगे जो मुलायम हो और हमारा पापड़ फटे ना उससे। इस पे हम लगा लेंगे हल्का सा तेल, तेल दोनों तरफ लगाएंगे और ये लोई लेंगे, एक लोई में भी हम हल्का सा तेल डिप कर लेंगे। इस पे ऐसे रखेंगे और इसे ऐसे करके सॉरी, और ये हमारा पापड़ बनके रेडी है। ये देखिए हमने पॉलीथीन पहले से बिछा के रखी है, पॉलीथीन पे हम ऐसे रखेंगे और इसे हल्के हाथ से लगा के छुड़ा देंगे। ये देखिए हमारे पापड़ तैयार हैं। एक हम बनाएंगे चकला लेंगे और उस पर पॉलीथीन को बिछा लेंगे। इस पे भी हम लगाएंगे हल्का सा ऑयल, एक लोई लेंगे उस पे भी हल्का सा ऑयल डिप करेंगे और ऐसे रखेंगे, या तो आप हाथ की सहायता से ऐसे बढ़ाइए या फिर चकले की मदद से इसे बेल दीजिए। जितना बारीक आप बेल पाए उतना बारीक बेल लीजिए। ये देखिए इसे भी हम उठा के पॉलीथीन पे डाल देंगे। इसी तरीके से हम सारे पापड़ बना के रेडी कर लेंगे। अगर ये रेसिपी मेरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।